बड़े बड़े शिलाखंड, मारुति इन्हें को अपनी गति बढ़ाने का माध्यम बनाएगा। सूर्यदेव, वो वानर बालक का बोध हो या उद्दंड, किंतु एक बात निश्चित है, उस वानर बालक के पास मायावी शक्तियां हैं, जिस कारण उसने चक्रासुर को मार गिराकर यहां आने का दुस्साहस किया। सूर्यदेव, आप मुझे आज्ञा दें, मैं काल स्वयं उसे उसके उद्दंडता का दंड दूंगा। यदि वो बालक उद्दंडी है तो अवश्य ही वो दंड का पात्र है, जाइए। सूर्यदेव, आपका सुरक्षा कवच तो अभेद है, कौन भेद पाएगा इसे? नारायण नारायण। तो फिर से बड़ा और चमकीला गोला आ रहा है। सावधान बालक। हाँ? तुम्हारे समक्ष स्वयं कालदेव खड़े हैं। काल चक्र से तो पूरी सृष्टि परिचित है, कोई भी इस चक्र में नहीं पड़ना चाहता, किंतु तुम तो स्वयं मेरे इस चक्र के समीप आ रहे हो। ये तुम्हारा बालपन है। मुझे शीघ्र ही इस आकाश फल तक पहुंचना है और अपनी भूख मिटानी है और माँ की चिंता दूर करनी है। मारुति, मारुति गया। मारुति हर दिन तो जागते ही मेरे पास आता है, आज पता ही नहीं चला कब जागा कहां गया। मारुति, मारुति, ये तो टिटहरी के चीखने की ध्वनि है। बिल्ली के रोने की आवाज,
पहले टिटहरी चिल्ला रही थी, अब ये बिल्ली के रोने का स्वर। आज ये अपशकुन क्यों हो रहे हैं? हे ईश्वर, रक्षा करना।